गुलाब के फूल 10 रुपए। जय बोला रघुनाथ के, जय बोला। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइज, थंबनेल देखकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा, आज के व्लॉग में मैं आप सभी को दर्शन कराने वाला हूँ श्री गोरखनाथ बाबा जी के। गाइज, अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था है। गाइज, मंदिर परिसर के अंदर यहाँ से भक्तगणों की लाइन चालू होती है और अब हम अंदर चलते हैं। अंदर चलकर आप सभी को बाबा के दर्शन कराते हैं। गाइज, यहाँ से कुछ हमने फूल खरीदे, प्रसाद तो हमने मंदिर के बाहर से ही खरीद लिया था और अब अंदर चलते हैं। अंदर चलकर आप सभी को बाबा के दर्शन कराता हूँ। गाइज, यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, फिर भी हमने बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी वीडियो बनाई है। गाइज, बाबा की जो ये तपोभूमि है, बाबा की समाधि स्थल पर आज इतनी भीड़ नहीं थी तो हम सभी ने बड़े आराम से दर्शन किए। मंदिर परिसर के अंदर सभी भक्तगण बाबा का जोर जोर से जयकारा लगा रहे थे, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। जय गोरखनाथ बाबा की। बाबा गोरखनाथ का यह मंदिर पूरे वर्ष खुला रहता है, यहाँ आकर आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं और आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ आ सकते हैं। पार्किंग की बहुत ही बढ़िया सुविधा है और अगर आप दूर से यात्रा कर रहे हो तो गोगामढ़ी रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गाइज, अब हम मंदिर के मुख्य गेट पर आ गए हैं और मैं आप सभी को बाबा के दर्शन कराता हूँ। तो गाइज, आप सभी ने बाबा के दर्शन किए, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताए। और अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर मैं आप सभी को मंदिर का जो सबसे बड़ा पार्क है, महंत बाल योगी रूपाना जी पार्क, आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा पार्क है और मंदिर में एक बहुत बड़ा तालाब भी है, वो भी मैं आप सभी को थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी मेरे इस व्लॉग में बने रहिए। गाइज, यहाँ पर देख सकते हो ये मंदिर के अंदर जो पार्क है वहाँ पर ये कलाकृति बनी हुई है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। मंदिर परिसर है जो बहुत बड़ा है और यहाँ पर ये तरह तरह की ये आकृति बनी हुई है और यहाँ पर भगवान शंकर की भी मूर्ति विस्थापित की गई है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पर हाथी की भी मूर्ति लगी हुई है। गाइज, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, इस तालाब में भक्तगण स्नान करते हैं और अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर। तो गाइज, हमें यहाँ पर ये अंकल मिले हैं, इन्होंने एक ढोल लिया हुआ है, ये ढोल बजाने का कार्यक्रम करते हैं। क्या नाम है आपका? झगड़ोधाम। झगड़ोधाम। तो अंकल, जो ये गोरखनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पर मेला कब लगता है? बाजू में लगता है, सावन में लगता है, 2 महीने बराबर चलता है बाबा के दरबार में। और जो अंकल, जो ये मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है बाबा का, गोरखनाथ जी का ढूंढा है, बहुत पुराना है जी जी। और यहाँ पर जो ये तालाब है, इसमें वो गंगा हाउस में वहाँ पर नहाने से रोग दूर होते हैं और रोग था वो कट जाता बाबा के दरबार में। जी जी जी। और यहाँ पर जो बाबा की जो समाधि स्थल है, समाधि है बाबा का, धुना भी है, धुना भी है, समाधि इधर है, धुना भी इधर है बाबा का, बहुत पुराना धुना। और ये प्राचीन कहावत है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पर आता है और अपनी मनोकामना पूरी, उसकी मनोकामना जो भी मांगता है पूरी होती है। और ये जो बाबा है और जो मूर्ति लगी हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए।
क्योंकि बाबे की शक्ति बहुत है, बाबे का गुण ही है। जी जी जी, बहुत शक्ति है, इस पर मानते उसको मानते हैं, शक्ति इसकी घूम घूम के चलती है। यहाँ पर ये बताया जाता कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मुंबई दिल्ली कलकत्ता आसाम सब पूरे देश विदेश से भी लोग आते हैं। और आप कितने दिनों से यहाँ पे रहते हो? मैं रह गया 10 साल। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बीकानेर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, गुरु गोरखनाथ बाबा जी के दर्शन करने के बाद मन को भी काफ़ी प्रसन्नता मिली और दिल भी काफ़ी खुश हुआ। गाइज, आप सभी को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।